नांदेड़ शहर में अपने ख्वाबों का आशियाना तामीर करने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए सुनहरा मौका है। नांदेड़ शहर के लातूर रोड धनेगांव में खलीफा रेसिडेंसी का इफ्तिताह अमल में आया। इस खलीफा रेसिडेंसी को सैयद डेवलपर्स ने तैयार किया है। खलीफा रेसिडेंसी हुकूमत के उसूल के मुताबिक तैयार की गई। एनए से मंजूर शुदा लेआउट, टाउन प्लानिंग से मंजूर शुदा लेआउट, आलूदगी से पाक माहौल, कंपाउंड वॉल, रेसिडेंसी में 30 फीट की सीसी रोड तैयार की गई है। अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अंडरग्राउंड नल कनेक्शन, गार्डन, खेलकूद के लिए मैदान, कमान व सभी तरह की सहूलियात से आरास्ता इस रेसिडेंसी को अवाम के लिए मुहैया कराया गया है। खलीफा रेसिडेंसी का इफ्तिताह एमआईएम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन और रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर खाजी सईदुद्दीन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट खाजी सफदर, साबिक जिला परिषद मेंबर गंगा प्रसाद काकड़े, एडवोकेट हाई कोर्ट खाजी मुबशिर के अलावा शहर की जी असर शख्सियात और मुख्तलिफ शोबे जात से खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी अफसरान, बिजनेसमैन और प्लाटिंग शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत फरमाई। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का रेसिडेंसी के प्रोपराइटर सफवान खाजी मोहम्मद तकीउद्दीन और सैयद असलम ने शुक्रिया अदा किया। फिलहाल इस रेसिडेंसी में प्लाटों की बुकिंग जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज खलीफा रेसिडेंसी का इफ्तिताह अमल में आया है और यकीनन ये जो काम है आज खलीफा रेसिडेंसी का, जो तमाम ही सहूलियात पर मुश्तमिल है, जिसमें सीसी रोड है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ड्रेनेज है, अंडरग्राउंड नाली है, गार्डन है, ओपन स्पेस है, एमिनिटी है, ये तमाम के तमाम काम किया गया है। और इसमें ख़ास तौर से मेहनत अगर किसी की शामिल है तो खाजी सफवान साहब की और जनाब तखी साहब, सैयद मोहसिन साहब, और इसके ओनर जो है खाजी सफवान साहब और तखी साहब है, और वही इंशाअल्लाह ताला इस रेसिडेंसी का इंशाअल्लाह ताला जो भी है खरीदो फरोख करेंगे। और अल्लाह तबारक व ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये जो काम ख़ास तौर से मुस्लिम एरिया के अंदर हुआ है, अमल में आया है, इसी तरीके से शायद ये मिसाली रेसिडेंसी या कॉलोनी होगी जो इसी तरीके से अगर बनेगी तो मुस्लिम एरियाज़ के अंदर मुस्लिम बच्चों को ख़ास तौर से उनके लिए खेलने के लिए गार्डन्स है इसके अंदर, और पानी की सहूलियात है, तमाम सहूलियात पर मुश्तमिल है जो ज़िमनी होते हैं। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जनाब खाजी साहब, तखी साहब की मेहनत के अंदर मेहनत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही है, अल्लाह बरकत दे। और यहाँ पर जो भी आने वाले हैं, रहने वाले हैं, उनको ये इस बात का एहसास होगा कि जितनी कॉलोनीज या रेसिडेंसीज बनी है अलग अलग इलाक़ों के अंदर, तो ये पहला इलाका है धनेगांव का जहाँ पर खलीफा रेसिडेंसी के नाम से फर्स्ट टाइम में ऐसा काम अमल में आया है जो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ा गया है। तमाम कामों की तकमील के बाद आज खाजी साहब के हाथों से, सईदुद्दीन साहब के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। अल्लाह मजीद बरकत दे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात जो फराहम की गई है वो आए और अपने घरों की तामीर करें। अस्सलाम वालेकुम, ये खलीफा रेसिडेंसी का आज ओपनिंग हुआ है, इनाग्रेशन हुआ है, और ये खलीफा रेसिडेंसी जो है ये एक एनए सैंक्शन लेआउट है जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है। इसमें 30 फीट की सीसी रोड और सीवरेज लाइन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नल का कनेक्शन, दो गार्डन, कमान, गेटेड कम्युनिटी, कंपाउंड वॉल, सारा कुछ जो फीचर्स होनी चाहिए गेटेड कम्युनिटी में सब कुछ दिया गया है। स्ट्रीट लाइट, ट्री प्लांटेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ट्री प्लांटेशन दोनों गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया गया है, और मेन रोड से ये 80 फीट के डिस्टेंस पे है, और मेन रोड से ही सीसी रोड और नाली और हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। मस्जिद भी काफ़ी वॉकेबल डिस्टेंस पे है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इमीडिएट रजिस्ट्री के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है।